हालेलुया हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर है सचमुच में, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, और वह ऐसा ही करता है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊँचा करें, जो सचमुच में हमें नया दिन दिखाता है, जो सचमुच में जो हमें सांसें देता है और चलाता है, और हर एक दिन हमें देता जाता है, स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है और अगुवाई करता है। वो सारी अगुवाई और स्ट्रेंथ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सचमुच में जो परमेश्वर पिता आपके सम्मुख में आता है, तो सचमुच में वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। और ये वचन कहता है कि जो मेरे पास आता है परमेश्वर उसके पास जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता हर एक कंट्री से, हर एक देश से, हर एक स्टेट से, हालेलु कई कंट्री ऐसी है जहाँ पर रात है, हालेलु पर कई कंट्री ऐसी जहाँ पर मॉर्निंग है, परमेश्वर हर एक कंट्री को तेरे हाथों में देते हैं, ब्लेस करते हैं। हले समय चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जो लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं परमेश्वर उसके पास जाते हैं परमेश्वर पिता। और जो लोग आज परमेश्वर के निकट आ रहे हैं आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, ग्रैंड करने के लिए, तो मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपके घर में जाएंगे, आपके लाइफ में आएंगे और आपके बंधन टूटेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और सारी प्रॉब्लम छोड़ कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इतना ही नहीं, परमेश्वर से आप परमेश्वर की नई शक्ति, नई सामर्थ्य और नए बल को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। सभी जन बोले आज मेरी गवाही का दिन है। बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। बोलो मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। बोलो मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। बोले मैं आनंदित हूँ कि मैं यीशु मसीह को पर्सनली जान चुका हूँ, जान चुकी हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बोलो मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर मुझे हर एक परीक्षाओं में स्थिर रहना और खड़े रहना सिखाते हैं। बोले आमेन। हालेलुया। और इतना ही नहीं, सच मुझे परमेश्वर प्रेम करना भी सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसका मार्ग सिद्ध है। और जो वचन, जो अद्भुत रीति से जो तायक हुआ आपको, हम सबको मिला, इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सचमुच में परमेश्वर जो संकट में अति सहज से, सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो सचमुच परमेश्वर लोगों के दुखों को दूर करता है, जो उसके पास आते हैं और छुड़ाता है और आजाद करता। हो सकता है बहुत सारे निराशा में बहुत सारे कन्फ्यूज बैठे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालेलुया, जिनके मन में गलत गलत बातें आ रही हैं, जो सुसाइडल स्पिरिट काम कर रहे हैं आपके लाइफ में, आपके अंदर में, और दो मन के साथ के लोग बैठे हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यीशु मसीह का धन्यवाद। कई ऐसे तो विश्वासी हैं जो आज विश्वास नहीं कर पा रहे, वो सोचते हैं कि क्या सचमुच में परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो सब कुछ सही करेंगे, वो सब कुछ पूरा करेंगे। कई लोग ऐसे सोच और विचार के साथ बैठते हैं, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप सबने एक मन के साथ, जैसे कि अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं और फास्टिंग प्रेयर चल रही है 21 दिन की, और हम सभी एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। जब सब कलीसिया मिलकर, जब फास्टिंग प्रेयर में एक साथ मिलकर, एक मन होकर, जब किसी खास विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हेवन से, स्वर्ग से, हालेलुया, सब कुछ रिलीज कर देते हैं और मुहैया कर देते हैं, हालेलुया, प्रोवाइड करते हैं। जब एक मन के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया का मन और हमारा मन, सबका मन जब एक मन हो जाता है, तो कोई शैतानी ताकत, कोई दुष्टात्मा रोक नहीं सकता वो परमेश्वर की उस आशीषों को लेने के लिए, कोई भी हमें रोक नहीं
सकता है मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह से परिवार में जब दो मन हो जाता है तो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, दो मन हो जाते हैं, कई तीन मन के हो जाते हैं, सबके सलाह अलग अलग होती हैं। इससे फिर वो परिवार को बसना और आगे बढ़ना, सफलता मिलना मुश्किल होता है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों होती? क्योंकि वो एक मन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी शादी मसीह में होना चाहिए। इसलिए आपको कहा जाता है कि अपनी मर्जी से ऐसे वैसे काम ना करो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब दो मन होंगे, इधर के होंगे उधर के होंगे, मैच नहीं करेगा और उसके बाद आपका फ्यूचर, आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन जब एक मन जब परिवार में हो जाते हैं, हालेलुया, वो वचन पर एक मन होते हैं। एक मन होने का मतलब वचन के ऊपर वो भी वचन पढ़ता है, ये भी वचन पढ़ती है। तो जब एक सब हम एक साथ एक मन हो जाते हैं, उस वचन को रिसीव करते हैं और उस वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो सचमुच फिर लड़ाई झगड़े ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एग्जैक्टली, जब हम भी जब हालेलुया जब प्रार्थनाएं करते हैं, यदि हम कुछ खुलवा चाहते हैं स्वर्ग से, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर दो मन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। प्रभु मुझे देगा तो देगा, प्रभु आज नहीं तो कल मेरे जीवन में करेंगे तो करेंगे, वो आशीष मेरे जीवन में आएंगी तो आएंगे ही, वो छुटकारा मेरे जीवन में आएगा तो आएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के तार। ऐसे विश्वास के साथ जब हम डायरी में लिखते हैं, नोट करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे लाइफ में ये सब क्यों नहीं हो रहा है। यदि आप घर बैठ जाओगे, निगेटिव होकर बैठ जाओगे, कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे तो नहीं होगा। लेकिन जब एक मन बनाते हो प्रभु के सम्मुख आने का, प्रार्थना करने का, वचन को पढ़ने का, परमेश्वर के पीछे चलने का, सेवा करने का, काम करने का, तो कोई भी शैतान ताकत उसे रोक नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि कोई मौत भी आए तो भी वो मौत आपको मार नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई आपको हरा नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि आपका विजन क्लियर है और आपका विजन क्लियर होना चाहिए। यदि आप दो दो वाली बातें करेंगे, डामोडोल वाली बातें करेंगे, तो फिर मतलब घपला है, हालेलुया, तो फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन जब एक मन के साथ रहते कि नहीं मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना तो चलना, मुझे सेवा करना तो करना, मुझे गलत काम नहीं करना तो नहीं करना, जब आपका डिसीजन इस तरह से होता है और आप कभी भी किसी इस ऐसी वैसी बातों में नहीं फंसते हो, तो सच मुझे परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है, आपके विश्वास को देखता है, आपका डिसीजन को प्रभु देखता है, आपके दृढ़ निश्चय को देखता है, आपके मन को देखता है, आपके थॉट को देखता है, आपके विचारों को देखता है, आपके कामों को देखता है, आपके सेवा को देखता है। हालेलुया, हर पासे वो परमेश्वर आपको देखता है और छांटता तराशता कि यह कहीं पर भी दो मन नहीं है, और ये लगातार क्या कर रहा है, एक मन के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहा है, लगातार अपने गुरु से उठाकर चल रहा है। तो फिर एक ऐसा समय आता है कि सचमुच में आप आनंद में रहेंगे और रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितना शैतान ने छीना वो सब कुछ आपको वापस मिलकर रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, चाहे एक साल हो, दो साल हो, तीन साल हो, पाँच साल हो, छः साल हो, दस साल हो, जो मर्जी हो जाए, वो एक दिन वापस जरूर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप ट्राई कर सकते हो, परख सकते हो, आप एक व्यक्ति को बदलते हुए देखना चाहते हो और इतना टेढ़ा व्यक्ति के बदलना नहीं चाहता, लेकिन अब हर दिन उसके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, हर दिन प्रार्थना कर करके मांग मांग कर परमेश्वर को तंग करते हो, फास्टिंग करते हो, प्रार्थना करते हो, तो क्यों नहीं वो आएगा? परमेश्वर मारेगा उसे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दयावान के साथ दया को दिखाता है और टेढ़े के साथ परमेश्वर तिरछा भी बनना आता है परमेश्वर को। परमेश्वर को पता है कि ऐसे नहीं आएगा तो वैसे आएगा, तो प्रभु को पता है। तो वो आपके विश्वास के खातिर, आपके सेक्रीफाइस के खातिर, आपका जो क्रूस उठाना देखता है उसके खातिर, आपके जो सेवा लगातार करते हैं उसको खातिर, हालेलुया, तो परमेश्वर को फिर करना ही पड़ता है। आमीन। इसलिए आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, उसके पीछे चलना नहीं छोड़ना है, सेवा करना नहीं छोड़ना है, लगातार सच्चाई में बने रहना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। और जब लगातार आप ऐसे करते जाते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, काम हो, परिवार को देखना हो, घर बाहर जाना, अंदर आना हो, जब हर जगह जब अपना आपका जीवन जो परमेश्वर के साथ सचमुच में चलता फिरता है, हालेलुया, मतलब उसके वचन के अकॉर्डिंगली चलता फिरता है, तो कोई भी ऐसी चीज आपको रोक नहीं सकती परमेश्वर से सिंह को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के तार। इसलिए अब्राहम को कोई रोक नहीं सका, एलीशिबा के जीवन में कोई रोक नहीं सका, एलीशिबा और जकरिया के जीवन में
कौन सी वर्ड थी जो उनके बंद रास्ते को खुलवा दिया, और वो सेवा थी। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होती क्वालिटी और वो चीजें खोल देती है। तो जकरिया और एलीशिबा के जीवन में क्या था, वो सेवा ने रास्ता खोला था। आमीन। तो अब्राहम के जीवन में क्या था, विश्वास और आज्ञा मानना और प्रेम करना। पर विश्वास पहला ऊपर था, सबसे टॉप में था। हालेलुया। और प्रेम तो था ही, तभी तो उसने बलिदान कर पाया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो देखो कौन सी चीज एक और कितने सालों के बाद उसे वो सारी ब्लेसिंग मिल गई। बोले आमीन। आज आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हालेलुया, आपको मिलेगा। लेकिन आपने देखना है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि कौन सी ऐसी बातें जो मेरे जीवन में रास्ते को खोल सकती है। तो मूसा के जीवन में ऐसी क्या बातों को प्रभु ने देखा जो परमेश्वर ने उसके हाथों में कमांड सारा सब कुछ सौंप दिया, और वह क्या चीज थी, नम्र। इसे लिखा है कि वह सबसे अधिक नम्र था। इसलिए ये सारे स्वभाव हम पढ़ते हैं, अलग अलग स्वभाव जो बाइबल में लिखे है, आत्मा का फल। तो ऐसे स्वभाव में हमने, वैसे सारे स्वभाव को हमने दिखाना है, लेकिन कई ऐसा स्वभाव होता है जिसे प्रभु इतना खुश होता है। तो अय्यूब के बारे में क्या है, वो चार बातें हमने देखा, क्या 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 थी, वो खरा था, सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता था, और बुराई से। और जब अय्यूब के बारे में देखते तो कौन से कैसे वो दरवाजे खोले, कौन से पॉइंट को देखा गया, परीक्षा में स्थिर रहा। जब भी अय्यूब के बारे में बात की जाती तो परीक्षा में स्थिर रहा। पर परीक्षा में स्थिर होने के लिए उसकी नेव कैसी थी, वो मजबूत कैसा था, वो विश्वास करता था, वो ठान लिया था जो मर्जी हो जाए मैं कभी भी मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप बोलते हैं मैं कौन सा परमेश्वर के खिलाफ जाता हूँ, लेकिन आप ऐसा इनडायरेक्टली अलग तरीके से काम करते हो और आप परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आज अय्यूब को याद किया जाता है, इसलिए उसके बारे में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कैसे दरवाजे को खुलवा दे, विश्वास के द्वारा। उसने भी विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परीक्षा में स्थिर रहा। और धीरज की बात की जाती है उसके विषय में, क्या बात की जाती है, धीरज के साथ सहता रहा। और ये काम हर कोई कर नहीं सकता, सहना। थोड़े से चार बात सुना दो तो सहन से ऊपर चला जाता है, फिर अय्यूब तो छोड़ ही दो आप। हालेलुया। थोड़ी देर आप, एक महीना आपको कोई टॉर्चर कर रहा है तो आप बोलोगे मेरे से सहा नहीं जाना, बस ये ऐसा है वैसा ऐसा है। और अय्यूब के विषय में देखो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जब लगातार हम इस परीक्षाओं के बीच में होकर गुजरते हैं, और सबको गुजरना पड़ेगा ही, तभी आपकी गवाही तैयार होती है। तो अय्यूब के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, ये धीरज के विषय में, धीरज बोला जाता है कि ये धीरज के साथ निकला है, परीक्षा में स्थिर, खड़ा था, सीधा था, हर परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से परे रहता था। और दानियल के विषय में क्या था, हालेलुया, दानियल के विषय में क्या था, किस बात से उसको जाना जाता है, मोस्ट थिंग्स, नहीं प्रार्थना नहीं है, ग्रेट डिसीजन की वजह से जाना जाता है उसे। हालेलुया। किसकी वजह से, कि मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, मैं भोजन को टच नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तो वो डिसीजन के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही परमेश्वर जब स्वर्गदूत आते हैं तो वो हमारे लाइफ के कुछ पॉइंट को देखते हैं कि किस बात में है ये। पर कई विश्वासी तो क्या होते, बिन पेंदी का लोटा, वो वाला हिसाब किताब रहता है, इधर के रहते ना उधर के रहते हैं, फिर आपका कहीं भी हिसाब, कहीं भी आप स्टैंड नहीं लेते, कहीं भी आपका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। इसे मेमने के जीवन के पुस्तक में नाम उसका ही लिखा होगा जो परमेश्वर का सगा होगा। तो ये सारे सगे थे परमेश्वर के। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में देखते हैं, फिर आपको गर्व महसूस होगा अपने ऊपर कि वाओ, कि मैंने इस मामले में इन बातों में स्टैंड लिया। आपको गर्व महसूस होगा कि मुझे इतने लोग मुझे कह रहे थे और उन बीचों में ना मेरे से कोई भी गलत बात नहीं निकली, और ना मैं उनसे गुस्सा हुआ, ना मैं गुस्सा हुई। ऐसी ऐसी आपकी गवाही बनेगी और आप गर्व महसूस करोगे, और अब जाने जाओ कि परमेश्वर के खाते में आपका नाम लिखा जाएगा कि ये इसके बारे में क्या होगा कि ये सहकर निकला। तो पौलुस कैसा था, वो सहकर निकला था वो। हालेलुया। पे पत्रस कैसा था, वो ठीक है, निगेटिव पार्ट था उसका, डरपोक था, लेकिन उसके बाद वो निखर के आ गया। जैसे परमेश्वर के वचन में एंटर करता गया करता गया करता गया, तो अब उसका नाम क्या हो गया, साहसी हो गया। हाले नीडर हो गया, बेधड़क किसका हो गया, पौलुस का नाम पड़ गया। बेधड़क को कम सेवा करेंगे कहता था, और उसने बेधड़क होकर ही काम किया था।
तो सबका नाम है कि नहीं, स्टेटमेंट लिखा, बाइबल को पढ़ते पढ़ते तो उसका देखो निचोड़ की उनके बारे में क्या क्या बातें, मेन मेन चीजें लिखी गई है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन दोगले लोगों के बारे में भी लिखी गई है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हटने लोगों के बारे में भी लिखी गई है। तो आप और हम कैसे बच जाएंगे, तो हमारे बारे में भी स्टेटमेंट लिखी जा रही है कि हम कैसे, हमारा जीवन, हमारे लाइफ, सब कुछ परमेश्वर ने तो स्टैम्प तो लगाया है कि इन बातों में निकलेगी, इन बातों में निकलेगा तो मैं इनको ये चीजें ब्लेसिंग दूंगा, परमेश्वर ने करके रखा है। लेकिन जब हम उन बातों से परे हो जाते हैं, प्रभु के वचन से परे हो जाते हैं, तो फिर हम रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम दो मन में चले जाते हैं। इसलिए याकूब की पत्र में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। याकूब की पत्री और उसका, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पांच पहला अध्याय पांच वचन से, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पर जो विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, मतलब संदेह ना करे, शक ना करे। और हन्ना ने शक नहीं किया, संदेह नहीं किया, विश्वास से मांगा और उसे मिल गया। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और रूत का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? हालेलुया। वो कौन से नाम से जानी जाती है? वो रूत। रूत का क्या डिसीजन था? हाले पर भी कि मैं कि नौमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा तो मैं नौमी के पीछे चलूंगी, क्योंकि नौमी एक एज अ पास्टर के रूप में भी काम कर रही थी और उस नौमी के थ्रू परमेश्वर को जाना था। तो उसने बोला यही मेरा क्या है, ये चरवाहा है जो मुझे लेकर जाती है, जो मुझे सच्चाई के बारे में बताया है, बताई है। इसलिए अब उसका पास्टर कौन हुआ? वो नौमी थी। इसलिए रूथ ब्लेस्ड हुई नौमी के पीछे चलने की वजह से, क्योंकि नौमी परमेश्वर के पीछे चलती थी। हालेलुया। और रूथ का सबसे बड़ा डिसीजन था, उसने शादी नहीं की वापस जाके, लेकिन उसने डिसीजन लिया मैं वैसे ही रहूंगी, कोई बात नहीं, मैं प्रभु के मैं सेवा करूंगी, उसको भी खिलाऊंगी पाल के, मैं खुद खाऊंगी तो उसको भी खिलाऊंगी, मैं काम करूंगी। कोई आजकल ऐसे नहीं करता, लेकिन उसने किया और वो नोटिस की गई, एक बड़ी गवाही के साथ वापस आई। बोले आमीन। तो हमारे जीवन का ऐसा कौन सा डिसीजन है जिसे आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? हमारे लाइफ का ऐसी कौन सी बात है जो प्रभु को बहुत पसंद आ रही है? हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसे परमेश्वर कहता है कि ओ वेरी गुड, शाबाश, हालेलुया, तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरी प्रिय बेटी है, हालेलुया। और उसके बाद आपका मुकुट तैयार होता है। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, सभी जन प्रार्थना में जाएं और अपने आप को सरेंडर करें। बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो मैं गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ डिसीजन लेने के लिए, बोलो पवित्रता में चलने के लिए तैयार हूँ, बोलो उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, बोलो उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती जितने लोग यहाँ मौजूद है परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी वक्त शो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, और राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे और इनका हार्ट बदल जाए, इनका मन बदल जाए, इनका घराना बदल जाए, इनका परिवार बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये निर्दोष हुए और निष्कलंक बना, खरे विश्वासी बना। दो नौ में पैर नहीं रखना है आपको। हालेलुया, फिर से वो बातों में नहीं जाना, से उन सारे सुपरस्टिशियस थिंग्स को नहीं करना है। मैं प्रार्थना करते बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सारे रिचुअल से आप आजाद हो चुके, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट्स जो आपके जीवन में काम कर रही है, इसी वक्त होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में। जो रिचुअल्स में पड़े हुए हैं आज भी दो मन के साथ बैठे हुए हैं, और जिनको डर लगता है समाज को देख के, इसको देखकर, उसको देखकर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। घबराहट, हर एक डर के आत्मा दूर हो जाए और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले शूरवीर, शूरमा विश्वासी होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके लिए पहले जैसे नहीं ना रहे, लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना के बाद आपके लिए पूरी तरह से चेंज होकर बदल जाए और एक बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य।
हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, अगुवाई करने वाले परमेश्वर पिता, सामर्थ्य 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 परमेश्वर पिता, बंधन टूटे और आजाद हो जाए इसी वक्त राइट नाउ। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं राइट नाउ, और जो परिवार परमेश्वर के सम्मुख बैठ चुका है और प्रार्थना को सुन में है, वचन को सुना और प्रार्थना लगातार कर रहा है, चाहे आपका विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है, चाहे आपका प्रार्थना में बैठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन तू भी आपको बैठना ताकि छुटकारों को प्राप्त कर सके, आप ब्लेस्ड हो सके, आशीषित हो सके। कई ऐसे हैं, कई ऐसे जिनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, चर्च आने का मन नहीं करता, हालेलुया प्रार्थना सुनने का मन नहीं करता। यीशु के नाम हम घुटना टिकवाते हैं यीशु मसीह के सामने में, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर उतरे और आजाद हो जाए हर एक लड़के हर एक लड़कियां, हर एक जवान लड़के लड़कियां, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, फॉरेन कंट्री में जितने लोग रहते हैं, जितने लड़के लड़के, जितने परिवार सदस्य हैं, जितने बच्चे, हर एक को यीशु के नाम में घुटने टेके और यीशु का अंगीकार करें और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं, बदल जाए बदल जाए बदल जाए बदल जाए बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जीसस क्राइस्ट हालेलुया रबखतु नमखंतिर लबशंतिर लबकेंतिर लबकतिर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के घर पे उतरे, आपके लाइफ पर, आपके परिवार पे उतरे, एक 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 जन पर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आपका नाम कहलाएगा कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मा का फल, एक एक फल के नाम से आपको जाना जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, ये धीरज सहने वाली, ये प्रेम से भरी हुई है, इस तरह से है, हाल ये संयम वाला है, हालेलुया परमेश्वर, ऐसा जो परमेश्वर आत्मा का फल इनके जीवन में दिखाई देना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ नाम से, आत्मा के फलों के नाम से ये सारे विश्वासी सारे लोग जाने जाने चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह से अय्यूब को बोला गया ब्लेमलेस परफेक्ट, हालेलुया, उसी तरह से यह भी ब्लेमलेस और परफेक्ट के नाम से जाना जाए चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। निष्कलंक है ये सीधा है, ये बुराई से परे रहता है, ये परमेश्वर का भय मानती है, भय मानता है, ऐसे ऐसे नाम आपसे परमेश्वर आपको पुकारना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब परमेश्वर के प्रियजनों का बदल जाना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर दया करे इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो जो लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, या जो यीशु का विरोध करते हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह बंधन टूटे, या जो परख रहे यीशु मसीह को, राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ आजाद हो जाए आजाद हो जाए आजाद हो जाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को टच करे इसी वक्त। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गॉस्ट स्ट्राइक कर चंगे हो जाए, आजाद हो जाए इसी वक्त, खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा वोमिटिंग की तरफ बाहर आए और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए, हार्ट की जितनी ब्लॉकेज खुल जाए, चंगे हो जाते जाए। मैं प्रार्थना जितने स्टक हो गए आपके हड्डियां जॉइंट्स, यीशु के नाम में खुल जाए खुल जाए खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते इसी वक्त गुंगी आत्मा बहरी आत्मा अंधी आत्मा शोर के जाए यीशु के नाम में, और आप देखने लगे सुनने लगे चलने लगे बोलने लगे यीशु के नाम में। और जिस वजह से भी किसी बीमारी की वजह से यदि आपको पैरालाइज कटे हुआ है तो इसी वक्त भी हील्ड एंड बॉडी डिलीवर, चंगे हो जाओ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप शरीर को भी चेक करते जाए, जब चंगे हो गए इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए आजाद हो जाए आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर के सामर्थ्य उतरे और आपको हील करते जा रही है और आपको चंगाई करते जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक लोग बचाए जाए, हर एक बिजनेसमैन बचाए जाए, हर एक परिवार के लोग बचाए जाए, हर एक कास्ट के लोग बचाए जाए, हर एक समाज के लोग बचाए जाए, हालेलुया, हर एक लोग बचाए जाए, हर एक देश देश के लोग बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इंडिया के हर एक एक स्टेट से जहां जहां से लोग सुन रहे देख रहे और जहां तक ये प्रार्थना नहीं पहुंची, और ये प्रार्थना पहुंचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़े छुटकारे की घोषणा करते हैं द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बड़े बदलाव की घोषणा करते हैं, सामर्थ्य की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। स्वर्गदूत जैन के घरों में काम करना शुरू करें, इनके लाइफ को बदलाव की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता। जिनको शैतानी अटैक होते हैं, गोली गोली फायर फायर फायर, जिनको डर लगता है जाते जा, डर की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, उसकी सामर्थ्य भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा को दिलेरी का आत्मा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे डर और भय की जो शैतानी डर पैदा कर रहा है इसी वक्त छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। कई लोग मृत्यु को देख कर डरते हैं, मेरा क्या होगा, मैं कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हूँ, यीशु के नाम में छोड़ रहा जादू जाए। और अब लंबा जियेंगे, दीर्घायु की घोषणा करते, आपकी लंबी आयु की घोषणा करती हूँ। जो लोग बोलते हैं मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, सेवा करूंगा, चर्च नहीं छोड़ूंगा, और लगातार मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा चलूंगी,
हालेलुया। तो परमेश्वर मैं उन सभी लोगों के जीवन दीर्घायु की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जात कर परमेश्वर पिता हालेलुया। दया करो दया करो दया करो। जो शैतान मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मौत की प्लानिंग कर रहा है, इसी वक्त होली गॉस फायर फायर फायर। जो हानि नुकसान की आपकी जिंदगी में प्लानिंग करके बैठा है, एक्सीडेंट की प्लानिंग करके बैठा है, हानि नुकसान की प्लानिंग करके बैठा है, हालेलुया, इसी वक्त होली गॉस फायर शैतान के ऊपर होली गॉस फायर 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 समर्थी नाम में और जादू जाए शैतान की हर एक प्लानिंग के ऊपर। हमें सिवा पानी फेरते हैं, खत्म कर देते हैं शैतान की जितनी युक्तियां तंत्र मंत्र दुष्टात्मा के ऊपर। इसी वक्त गो बैक इन द मैटी नेम ऑफ जीसस का है होली गॉस फायर इन द मैटी नेम ऑफ जीसस का है हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं आज की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं अटेंड कर रहे हैं जितने लोग परमेश्वर पिता सभी के जीवन में बड़ी सुरक्षा की घोषणा करती यीशु मसीह के समर्थ नाम में। जहाँ जाते हैं परमेश्वर और आते हैं परमेश्वर पिता के जनों को यीशु के नाम में खबर करती। जॉब में जाते जॉब में आते परमेश्वर पिता बाहर जाना अंदर आना यीशु के नाम में सुरक्षा की घोषणा करते। आपके नाम के महिमा का कारण होकर बदल जाए। सारे एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में जादू जाए एंड बी टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती अपने सिर पर हाथ रखो। मैं ब्लेस करती हूँ। आज से आप ब्लेस्ड हैं, आज से आप आशीषित हैं, आज से आप परमेश्वर के संतान हैं, आज से अभिषिक्त जन हैं, आज से आप नहीं आप परमेश्वर के खास जन हैं, आज से आप परमेश्वर के प्रिय जन रहेंगे, आज से आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले रहेंगे, आज से आप अपनी मर्जी नहीं करेंगे, आज से आप परमेश्वर की मर्जी करेंगे, आज से आप परमेश्वर का क्रूस उठाकर चलेंगे, आज से आपका नाम ब्लेमलेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परफेक्ट विश्वासी कहा जाएगा यीशु के नाम में। आज से आप पूरे विश्वासी निकलेंगे यीशु के नाम में। आज से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर छाए रहेगी यीशु के नाम में, ठहरी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका हर एक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ब्लेस्ड होता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में ऐड होते जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का ब्लेस कर रहे हैं, आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर के सर से लेके पांव तक सारी बीमारी को मैं कैंसिल करती हूं यीशु के नाम में। हर एक तरह के रोग, हर तरह की बीमारी जो आपके लाइफ को अटैक करके बैठी है, चाहे वो नसों की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, चाहे पेट से संबंधित जितने रोग है, जितने प्रॉब्लम है, होली गॉस्ट फायर के नाम है। हर एक रसौली के स्पिरिट के ऊपर होली गॉस्ट फायर, हर एक पत्थर के ऊपर होली गॉस्ट फायर, इसी वक्त चंगे रजाद हो जाए। हर एक अस्थमा के ऊपर होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। मैं प्रार्थना कर जितनी गांठ है, जितनी गिल्टी है, इसी वक्त गायब हो जाए भाई बहनी, होली गॉस्ट फायर। इसी वक्त थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, हर एक इन्फेक्शन, जहां जाए इन्फेक्शन, होली गॉस्ट फायर फायर फायर। हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनको पैरालिसिस का अटैक हो आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनका डायलिसिस चल रहा है हील्ड एंड डिलीवर, लंबी आयु की घोषणा करते हैं। जिनको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, आपसे मैं कैंसिल करती हूं, कभी ना आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के ऊपर, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं शुगर के प्रॉब्लम, बीपी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को शक्ति और सामर्थ्य, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको प्रभु के पीछे चलना, सेवा करना, काम करना है, और परमेश्वर की शक्ति से बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो चर्च के साथ द गॉड है, चर्च के साथ मिलकर काम कर रहे, सेवा कर रहे, जितनी टीम वॉलंटियर है, सबको हम दुगना भाग से ब्लेस करते, अभिषेक करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो प्रार्थना का बोझ उठाते हैं, जो लगातार फास्टिंग का बोझ उठा रहे हैं, प्रार्थना में शामिल है, और जो लोग फाइनेंस का बोझ उठा रहे थे, जो लगातार अपने बीचों को पूरे प्रभु उनके सुधी रहे और ब्लेस कर गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के नाम में। वो मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, जहां जहां जाते प्रभु आनंद साथ भर दो, गवाही के साथ खड़ा करो, प्रिपेयर करो इनके लाइफ में, इनके मार्गों को आशीष करो। जिस परिवार में अभी तक जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो माता पिता ने बच्चों को लेकर परेशान है और बेटी अपने बेटे को लेकर परेशान है कि क्यों ऐसे हो रहा है मेरे लाइफ में, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी वापस नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है, या मेरी बात नहीं मान रहे, या मुझे छोड़कर चला है, या जब से शादी हुई यहाँ पर छोड़कर चले गए, या फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, होली गॉस्ट फायर 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 के नाम में। हर एक शैतानी आत्मा जो परिवार को अलग कर रही है, होली गॉस्ट फायर। जो वाइफ और हस्बैंड के रिश्ते को तोड़ रही है, होली गॉस्ट फायर। जो बच्चों को अपने माँ बाप से जुदा कर रही है, होली गॉस्ट फायर। इसी वक्त जाए आपका परिवार बदल जाए और आपके बच्चे आपके पास वापस आए, आपके माँ बाप बच्चे के पास वापस आए। मैं प्रार्थना करती दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे डॉक्यूमेंट को, पेपर को मैं ब्लेस करती, जितना कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, और डिवाइन हेल्पर भेज कर मदद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती जितना भी जमीन का केस, जितना भी झूठे केस किया, झूठे केस इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जमीन का केस का जो भी हक आपका जो सच्चाई में है तो आपके हक में होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बंधन टूटे, आजाद हो। इतने सालों से आपका काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे आप प्रार्थना में कहते हैं
प्रभु कि मैं जो आपका परमेश्वर आपका हिस्सा मैं आपको दूंगा। तो जब ये प्रार्थना को करते थे हिलाने वाली भेंट को अर्पण करते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, और तब परमेश्वर आपके लिए कार्य को करता और डिवाइन हेल्पर को भेजता है। मैं प्रार्थना करती जिस वाचा की प्रार्थना में जा रहे हैं, वाचा की प्रार्थना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, पवित्र आत्मा के समर्थ के बंधन टूटे, आगे बिजनेस के रास्ते खुल जाए, आगे कोर्ट केस के इसी वक्त जो लंबे समय से आप थक चुके हैं चक्कर लगा लगा के कोर्ट कचहरी का यीशु के समर्थ के नाम में आजाद हो जाए और परमेश्वर आपको सारे श्रापों से आजाद करे यीशु के नाम में। डाइवोर्स केस कैंसिल यीशु मसीह के समर्थ के नाम में। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अनुग्रह और शांति दे, तसल्ली दे, बड़ी गवाही को पैदा कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, कवर करते हो सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है परमेश्वर, अनुग्रह और शांति दे परमेश्वर, पिता तसल्ली दे, इनके हाथों की कमाई और सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर, इनके पासवर्ड को वीजा के साथ ब्लेस करते, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, जितने बच्चे स्कूल में जाते पढ़ते कॉलेज में जाते इनके संग को साथ रहना परमेश्वर पिता, जितने गवर्नमेंट के जो परमेश्वर तैयारी करते कॉम्पिटेटिव एग्जाम के परमेश्वर के साथ रहना और ब्लेस करना, बुद्धि की अनुसमझ की आत्मा देकर चला, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करो सहायता करे, सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं, मैं प्रार्थना करते हूँ आत्मिक जीवन में बढ़ा और प्रार्थना का आत्मा दे और लगातार प्रार्थना बने रहने के लिए मदद सहायता करो, सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं, मदद सहायता करो और खड़े रहने के लिए मदद सहायता करो परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें हमें बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और हम अनाउंसमेंट को सुनेंगे, हालेलुया हालेलुया। तो आज की इस सुबह की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें और जैसा कि आपको पता है इस रविवार यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को स्पेशल सीड बोने का और अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना सभा है, तो सभी जनों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है का एक बड़ी आत्मिक तैयारी के साथ, और आप अपने खुद के तेल की बॉटल और पानी की बॉटल भी लेके आ सकते हैं ताकि परमेश्वर के दास और दासी उनके ऊपर प्रार्थना कर सके और परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का अनॉइंटिंग होकर के वह बदल जाए, परमेश्वर के लहू में वह तब्दील हो जाए। इसलिए सभी ने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में पहुँचना है, और यदि कोई आपके साथ आना चाहता है तो कल से आप उन्हें भी अपने साथ लेकर के आएँ। यदि आपकी कोई इंक्वायरी है या इन्फॉर्मेशन है तो आप प्रेयर सेंटर का जो नंबर है 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी को भी क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं, आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं, और जिन लोगों ने अपना नाम पानी का बैप्टिज़म लेने के लिए लिखवाया है तो इस शनिवार यानी कि 19 अक्टूबर 2024 को उपवास प्रार्थना के बाद आपको पानी का बैप्टिज्म दिया जाएगा। इसलिए जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लेना वो भी पहुँचे, और जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लेने के लिए अपने नाम को लिखवाया अपनी डिटेल्स लिखवा रखी है आपने भी प्रभु की हजूरी में पहुँचना है। और यदि आपके जीवन में कोई गवाही आई है तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल नहीं भूलना कलीसिया, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें जो नंबर है गवाही भेजने के लिए, ताकि दूसरों के साथ आपकी गवाही को शेयर किया जाए। और जब भी आप अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने ज़रूर एक बार चेक करना है कि पीछे किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए डिस्टर्ब करने वाली। और ऐसे ही आपने लगातार जब भी आप गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपने लगातार उसे चेक करना है, तो उसके बाद ही आपने गवाही भेजने के नंबर पर आप उस अपनी वीडियो को आपने सेंड करना है। और जैसे कि आपको पता है कि हर मंथ के पहले रविवार को प्रभु भोज होता है, तो आने वाला जो प्रभु भोज है वो 3 नवंबर 2024 को है। जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है उन्होंने पहुंचना है परमेश्वर की हजूरी में, और इस रविवार सभी जन इनवाइटेड हैं परमेश्वर के राज के लिए, भवन की ज़मीन के लिए, सारी भवन के निर्माण की ज़रूरतों के लिए अपने स्पेशल बीज को बोना है। और इस रविवार 20 अक्टूबर 2024 को स्पेशल सीड मीटिंग है और अनॉइंटिंग मीटिंग है, तो सभी को अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा, तो सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुँचना है। लगातार अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, उनकी हेल्थ के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के सारी भवन की ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, एवेंजलिज्म के कामों के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में सभी जन याद रखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप परमेश्वर की हजूरी के साथ लगातार कनेक्ट रह सकें, हर एक अपडेट्स के साथ आप जुड़े रह सकें। इसलिए सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल करना है। आप फेसबुक के द्वारा भी जो कि स्पेशल ऑफिशियल फेसबुक पेज है
जो कि है पास दीप्ति कल्याण जी के नाम पे, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के द्वारा भी आप परमेश्वर के जुरी के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड टू ऑल। लाइक उनको प्रेस करें, और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभेशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभेशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी जिंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।